शिमला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स सहित अन्य टुकड़ियां ताल से ताल मिलाने का अभ्यास कर रही हैं। एएसपी मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिमला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के लिए परेड की रिहर्सल की जा रही है। इस वर्ष सेना, पैरामिलिट्री फोर्स सहित परेड में 27 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की टुकड़ी भी इस बार परेड में भाग ले रही है। वहीं गणतंत्र दिवस के लिए शिमला में चौड़ा मैदान में झांकियां बनाने का कार्य भी आरंभ हो गया है। प्रत्येक वर्ष की भांति कारीगरों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि तथा अन्य विभागों की झांकियां बनाई जा रही हैं। जैसे हर साल की तरह गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय या शिमला में रिज मैदान में मनाया जाएगा, जिसमें कि आर्मी का कंटिंजेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसपी, आईटीबीपी और अदर स्टेट से उत्तराखंड पुलिस का कंटिंजेंट यहां पर रिहर्सल कर रहा है। टोटल 27 कंटिंजेंट्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर साल की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा और रिहर्सल्स की जा रही हैं ताकि हमेशा की तरह हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए और अच्छे से अच्छे ढंग से परेड का को यहाँ पे लोगों के सामने पेश कर पाए। के पार्टिसिपेशन एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, पुलिस के जो डॉग स्क्वाड है उसका स्कीइंग के एक दस्ता है और सबका पार्टिसिपेशन है। डाइवर्स बैकग्राउंड से हर जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और जिनका पीछे पहले रिप्रेजेंटेशन रहा है और अच्छा काम किया, उन सबको भाग पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है और उसी के लिए रिहर्सल की जा रही है कि ताकि अच्छे से अच्छा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट।